Hi guys, this is me, your favorite AKR and you are watching Shikumar Rai YouTube channel. तो कैसे आप लोग? I hope आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टकटक होंगे. हम यहाँ मस्त हैं, बढ़िया टकटक हैं, मौज काट रहे हैं. उसी के साथ नया दिन, नई शुरुआत. आज है सैटरडे. सैटरडे का हमारा कुछ खास प्लान है तो नहीं, बट हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना है. तो अभी बस मैंने तो आधे कप चाय पिए, तो चलो आओ थोड़ी सी चाय और पीते हैं और उसके बाद बैठते हैं, बातें करते हैं. मम्मी पापा, आज पापा का भी ऑफ है, सब लोग घर पे ही होंगे. तो आज कोशिश करते हैं अगर फैमिली वाली वीडियो बन सकती है आज तो, बट अद्विक नहीं है, दीदी नहीं है, तो यार पूरी नहीं हो पाएगी. बट चलो जो भी होगा आज बना के देखते हैं, हम ये वाली वीडियो भी कंप्लीट करके देखते हैं. तो गाइस चाय पीने के बाद मैं सोच रहा हूँ नहाने जाने के लिए, और नहाने जाने से पहले हम लोग लगा लेते हैं एक कॉफी वाला, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हमें बस कॉफी को उसमें अंदर एलोवेरा में मिला के फेस पे लगाना है, तो कर लेते हैं. तो गाइस ये रही कॉफी और एलोवेरा, ये लगाइए मास्क और छूटने पे अच्छे धो दीजिए इसको. कॉफी बहुत हेल्पफुल होती है, कॉफी काफी टैनिंग को काटती है. और अपन नहाने जाने वाले थे तो लगा लो भाई इससे पहले, फिर तो नहाना ही है. Done bro. Hey guys, you can see कॉफी पूरी सूख गई है, तो चलो और चलते हैं नहाने, फिर हो जाते हैं रेडी, फिर बनाते हैं आगे की वीडियो. तो गाइस जैसा आपको पता है कि दिल्ली वाले लोग, जो हम दिल्ली वाले होते हैं, हमें खाने पीने का कितना शौक होता है. और अगर दाल के अंदर बोलूँ ना, स्पेसिफिकली दाल के अंदर, तो हमें एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है, वो है राजमा चावल. तो दोपहर के टाइम पे भाई राजमा चावल खाने का जो सुकून है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है. तो चलो आज राजमा बनाते हैं, मतलब मैं राजमा बनाता हूँ क्योंकि मम्मा अभी बस नहाके निकली है, तो मैं तो छोटी मोटी बेसिक चीजें कर देता हूँ, तो फिर मैं आपको राजमा बना के दिखाता हूँ आज, वो भी खतरनाक स्टाइल वाली. तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, इफ यू वांट टू गेट रेडी देन स्टे रेडी. तो आधा का हम लोग पहले कर लेंगे, अनियंस टमाटो ये जितने भी चीज होती है इसे हम लोग पहले चॉप करके रख लेंगे. फिर इसको तो देखो राजमा मैंने बॉयल होने के लिए लगा दिया है, और उसके बाद बस छौका लगाएंगे और हो जाएगी बात, बन जाएगी. बहुत ईजी है भाई. एक तरफ बॉयल हो रहे हैं राजमा, मतलब मसाला वसा डाल के ये रेडी होने वाला है, और एक तरफ रेडी हो रहे हैं राइस. मैं बॉयल राइस खाता हूँ, जीरा राइस नहीं खाता क्योंकि इसके अंदर ऑयल वगैरह होता है. और मैं एक तरफ है ये, तो बहुत ही टेस्टी होने वाला है. और इसके साथ मम्मी रोटी बना देंगी, और जो कल सब्जी बनी थी वो भी होगी, तो मस्त बढ़िया सा लंच होगा. और उसके बाद क्या मस्त खाएंगे और रेस्ट करेंगे, और क्या करना है आज तो सैटरडे है भाई, फुल एंजॉय है आज तो. आ चुका है हमारा लंच, उसमें है राजमा चावल, ये मैंने बनाया भाई, देखो कितना टेस्टी लग रहा है. और ये है कटहल की सब्जी, रात को मम्मी ने बताया था बहुत टेस्टी बनी है, बट 8 बजे के बाद मैंने खाया नहीं था, इसलिए मम्मी बताया अब रख दूँ, मैं लंच में खा लूँगा. और ये रहा सैलड, तो खीरे प्याज है, तो मैं तो बहुत खीरे खाता हूँ. तो चलो आओ खाना शुरू करते हैं. अभी टाइम हो गया 5:30, और हमें पीनी है ब्लैक कॉफी और चलेंगे सीधा जिम. बट ब्लैक कॉफी बनाने में आज एक ट्रिक है, हम हनी या शुगर बिल्कुल, मतलब शुगर तो वैसे डालता, आज हनी भी नहीं मिलाएंगे. आज हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि मैंने आज एक वीडियो देखी उसके अंदर पता लगा कि भाई अगर आप सॉल्ट और कॉफी होगा तो ज्यादा एनर्जी आएगी. ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, सब कुछ वो वाला सीन है, कोई चीज आपके लिए कैसे काम करती है. तो आज हम ये ट्राई करके देख लेते हैं, अगर इम्पैक्ट हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो जो हमारा रेगुलर चल रहा है वही करेंगे. फिर ये रही अपनी ब्लैक कॉफी, और इसके अंदर हमें डालना है सॉल्ट, ये रहा नमक. वैसे सही चीज तो है सेंधा नमक, जो कि हम फास्ट में यूज करते हैं, बट अभी वो है नहीं, तो इसलिए मैं तो नॉर्मल घर वाला सॉल्ट डाल के देख रहा हूँ, क्या पता बात बनती. इतना डाल रहा हूँ तो ज्यादा डाल रहा, ये डाल दिया हम लोगों ने. अब पीए देखते हैं फिर हमारी क्या एनर्जी आती है, क्या हम बनते हैं. चलो कोशिश करते हैं, इसका तो रंग रूप भी बदल गए. चलो पी के देखते हैं नमक वाली कॉफी. ये तो फूड ब्लॉगर जो भी मेरे को देख रहे होंगे ना भाई, बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं. अच्छी भाई, ऐसा लग रहा है ना खारे पानी के अंदर कॉफी बना ली हो. चलो बट खत्म तो करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा. गाइस टाइम हो गया है 6, और हम चल दिए जिम की तरफ. कपड़े भी अपन ने चेंज कर लिए, दक्ष भाई को भी फोन कर दिया और टम्बलर भी रख लिया. तो अभी चलना है हमें जिम, करना है अपना लेग वर्कआउट, क्योंकि पिछले टाइम किया था और अब आज का दिन है लेग वर्कआउट करने का. फिर कल है संडे, तो मस्त रेस्ट भी कर लेंगे, तो बढ़िया हो जाएगा काम. तो अभी दक्ष भाई को भी फोन कर दिया, वो भी पहुंचने वाले होंगे, हम भी पहुंचते हैं. टाइम भी हम लोगों ने चेंज कर लिया था अपने कपड़े. गाइस अभी चल रहा है लेग वर्कआउट, और आज तो दक्ष भाई ने हमारी बैंड बजा दी है. खुद तो मस्त हैवी हैवी वेट मार के मस्त चल मार रहे हैं, और छोटे बच्चे की जान ले ली. भाई क्या मिला मुझे, घर कौन छोड़ के आएगा बताओ. अगर मैं रास्ते में बिखर गया तो पैदल पैदल चले जाना, अगर मैं रास्ते में बिखर गया तो इतना हैवी हैवी वर्कआउट करवा रहा है आज मुझे. बताओ ये खुद अभी मुझसे पूछ रहे भाई स्कूटी लेके आया तो छोड़ दो आगे तक, वो मुझे कह रहे मैं मेरे को बुला लेना. भाई कैसी लगी आगे सवार? फाइनली मेरा तो हो चुका है पैकअप, पर मेरे तो बस की ना है और कुछ करना. आज तो दक्ष भाई ने बहुत ज़्यादा इंटेंस करवा दिया भाई, इतनी तो मेरे को आदत भी नहीं है, इतना तो मेरा खुद का वेट नहीं है जितना वेट आज इन्होंने मुझसे उठवा दिया है. सौरभ भाई ने एंट्री मार दी है, कैसे सौरभ भाई आप? आज तो आज
ढेर कर दिया भाई ने हमें, ढेर ही कर दिया, मतलब घर जाने लायक नहीं छोड़ा है। और पाजी एक्सरसाइज होगी, चलें घर या छोड़ के आऊं? मुझसे नहीं चला पाएगा भाई, मैं तो नहीं चल सकता। और आप कैसे खड़े हो? मुझसे नहीं चला जा रहा है कुछ ही, मैं लेट जाऊं तेरी अनुपा जी भगा देंगे। फाइनली बैक फ्रॉम जिम और अच्छे से वर्कआउट करा। लेग डे था, बहुत डिफिकल्ट था भाई। लिटरली लेग डे में तो भाई मैं रो पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा, आपको पता ही है, मैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में था नहीं, ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में था नहीं, तो लेग डे मेरे लिए हमेशा ही भारी होता है। बट चलो कोई नहीं, बैक बहुत मज़ा आया, बहुत सारे वर्कआउट हुआ दक्ष भाई के साथ और रूपा जी के साथ। साइड बाई साइड मैंने आते ही एग बॉयल होने के लिए रख लेते, कपड़े वपड़े चेंज करने लग गया था, तो हमारे एग भी बॉयल हो गए। तो चलो आओ खाते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। आ गए हमारे एग्स और बैठते हैं मम्मी पापा के पास, देखते हैं टीवी और खाते हैं। एग्स भी खा लिए, पानी भी पी लिया। अब आ रहा है कपिल शर्मा शो, तो आओ बैठते हैं कपिल शर्मा शो देखते हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बैठे हैं, तो दोनों के साथ बैठ के फैमिली टाइम एंजॉय करने में अलग ही मजा आता है। तो उन दोनों के साथ बैठ के कपिल शर्मा शो देखते हैं, हम लोग साथ में हैं ऐसे एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है। तो आज मौका तो चलो उनके साथ बैठ के, दोनों जने बैठे हैं तो दोनों के साथ बैठ के कपिल शर्मा शो देखते हैं। सो गाइस रात के बज गए 12 और आपके भाई का चढ़ चुका है पारा, नींद का पारा सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है और मुझे अब लिटरली बहुत ज्यादा नींद आ रही है। चल तो मैं पा ही नहीं रहा था भाई जो वर्कआउट खत्म हुआ था, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई, वो सॉल्ट वाला आइडिया बहुत भाई याद था, कुछ उसने असर नहीं करा। इससे अच्छा तो भाई सिंपल ब्लैक कॉफी पियो या फिर थोड़ा सा हनी मिला लो, वही फायदेमंद है। बट ये सॉल्ट वाला आइडिया तो बहुत ही ज्यादा बेकार था भाई। पता नहीं किसकी यूट्यूबर की वीडियो देख ली मैंने, कौन था वो पैसा फिटनेस कोच, मतलब अब तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा भाई, इतना गंदा आइडिया दिया ना उसने, ये नमक मिलाने वाला बहुत बकवास था। बट चलो कोई नहीं, अब मेरा वर्कआउट अच्छा हुआ, दिन अच्छा निकला, काम अच्छा हुआ। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, कर लो चैनल को सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसी के साथ गुड नाइट गाइस, टेक केयर।